हेडलाइन न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अंकिता लोखंडे के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंकिता लोखंडे एक टीवी एक्ट्रेस है, लेकिन अब वो फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर को देखकर लोगों के रोंगटे तो खड़े हुए ही हुए, लेकिन हाल ही में अंकिता लोखंडे ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े राज खोले और साथ ही साथ उनकी सेहत भी कितनी ज्यादा फिल्म रिलीज होने से पहले ही खराब हो गई है, इस बात का भी खुलासा किया है। जी हाँ, दरअसल जब मीडिया को बाइट दे रही थी तब उस वक्त अंकिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब नजर आई थी और उन्होंने खुद बताया कि वो कौन सी गंभीर बीमारी से अभी जूझ रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म मणिकर्णिका में कंगना रनौत झांसी की रानी का किरदार निभाने वाली है। ये कहानी अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से बचपन में सुनी होगी, स्कूल में सुनी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बड़े पर्दे पर झांसी की रानी की ये पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी और इसमें अंकिता लोखंडे भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। तो फिर आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है मीडिया से अंकिता लोखंडे ने और उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। 25 जनवरी 2019 का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये तारीख है फिल्म मणिकर्णिका की। जी हाँ, इसी तारीख को फिल्म मणिकर्णिका रिलीज होने वाली है। ये फिल्म झांसी की रानी की रियल स्टोरी पर बेस्ड है और आपको बता दें कि इस फिल्म में झांसी की रानी बनी है कंगना रनौत। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत के साथ इस फिल्म में अंकिता लोखंडे भी दिखाई देने वाली हैं। अंकिता लोखंडे भी इस फिल्म में काफी बेहतरीन किरदार में दिखाई देने वाली हैं। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे इस फिल्म में जलकरी बाई का रोल अदा करने वाली है और वही कंगना रनौत रानी लक्ष्मी बाई बनेगी। और हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने इसी फिल्म को लेकर कई सारी बातचीत करी है और साथ ही साथ जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो साफ पता चल रहा था कि अंकिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अंकिता लोखंडे ने इस बात का खुद ही बताया कि वो कौन सी गंभीर बीमारी से फिलहाल जूझ रही है। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। मैम इस तरफ है, मैम इस तरफ अंकिता यहाँ पे, अंकिता इकड़े, अंकिता इकड़े इकड़े सेंटर ला अंकिता। अरे दूसरा देखो ना, आई गेस मणिकर्णिका इज ऑल अबाउट कॉस्ट्यूम, इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा बिकॉज हिस्ट्री के कपड़े जो हमारे जो बनाए हैं नीता मैम ने, दे आर फैबुलस। आई मीन शी इज नीता लोला, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज हर, बट यू नो द वे शी हैज डिजाइन द होल लाइक हर किसी के कैरेक्टर के हिसाब से जो कपड़े बने हैं, इट इज फैंटास्टिक एंड शी इज सुपर्ब। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट, आई एम टू यू नो आई हैव सीन हर वर्क एंड शी इज जस्ट फैबुलस। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे मणिकर्णिका पता था मैं कर रही हूँ, मुझे झलकर ही पता था। जब मैं नीता मैम से मिली, शी गेव मी सच अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, मतलब जो दलित लोगों पर उन्होंने इतना इतने इस कैरेक्टर पर इतना रिसर्च किया था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जो मैम ज्वेलरी इतने सारी चीज़ें जो मैंने पहनी, आपने मेरे गेटअप में भी देखा होगा लुक में, जहाँ मैं पूरे कान में पूरे उन्होंने पहनाया है सर पे, सो आई थिंक शी इज़ जस्ट फैबुलस, शी नोज़ हर जॉब सो वेल और हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो आई जस्ट ब्लाइंडली यू नो ट्रस्टेड हर एंड
कि आई थिंक मैं अच्छी लग रही हूँ, आई थिंक मैं अच्छी। जी आई जस्ट फेल्ट कि मैं झलकरी बन गई हूँ, यू नो। जब आप किसी कैरेक्टर में जाते हो तो कॉस्ट्यूम बहुत मायने रखते हैं। कॉस्ट्यूम इज लाइक एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके एक्टर का, कैरेक्टर का। तो जब मैं उस गेटअप में आई, जब नीता मैम ने मुझे सारी चीज़ें दी, मेरा फर्स्ट शॉट था, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड आई वॉज लाइक यू नो, मैं घुस चुकी थी फिर कैरेक्टर में। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही पड़ी क्योंकि कॉस्ट्यूम ही इतना अच्छा था। लाइक कॉस्ट्यूम अच्छा क्या, मतलब उन्होंने कैरेक्टर के हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट ली थी। आई डोंट नो यार, अभी ऐसे मतलब बस अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। एंड आई थिंक द प्रोमो इज रियली सुपर्ब, मतलब जिस तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रोमो का, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। तो मुझे ऐसा लगता है फिल्म आनी बाकी है, तो अब देखते हैं उसका क्या होता है। मैरी क्रिसमस। ऑसम। कैसी लग रही हूँ मैं? बोलो। सांस लेने में एक बार सोचना पड़ा भाई, मुझे लगा ही मुझे लगा ही आप यहाँ हो तो आपके साथ बोलो। आई थिंक क्रिसमस, मैं जीसस क्राइस्ट को बहुत मानती हूँ। आई लव क्राइस्ट एंड आई जस्ट लव क्राइस्ट। मैं क्राइस्ट की फ़ैन हूँ बेसिकली, जीसस क्राइस्ट की। सो बट डोंट नो मेमरीज, क्योंकि मैं मराठी फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो मैंने कभी ऐसे कोई बनाया, मतलब यू नो सेलिब्रेट नहीं किया। बट एक ये बॉम्बे का कल्चर, यू नो सब ये सारी चीज़ें होना, क्राइस्ट का बर्थ दिखाना, सो आई वेरी फैसिनेटेड टू वर्ड्स एवरीथिंग। हम लोगों ने यहाँ कैसे पार्टी की है, यू नो क्रिसमस पार्टी। सो आई गेस मैं जब भी यहाँ बांद्रा में आती हूँ, आई गो टू माउंट मेरी चर रेगुलरली। इट्स लाइक संडे टू संडे आई गो टू माउंट मेरी चर। पर एक यहाँ पर एक चीज़ होती है जहाँ पे सारा क्राइस्ट का बर्थ दिखाना, सो मैंने कभी उसको सेलिब्रेट नहीं किया। बट येस, नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो मैं क्राइस्ट का जैसे बर्थ दिखाते हैं, आई वुड लव टू डू दैट। सांता क्लॉज से क्या मांगना चाहेंगे आप? बस मैं यही मांगना चाहूँगी कि सब हेल्दी रहे, खुश रहे, और हमारी मणिकर्णिका जल्द से जल्द चल जाए, मतलब सुपर हिट होनी चाहिए बस। ये एक्साइटमेंट कितना है? वो तो बहुत है, अब एक महीना बचा है। लाइक अगली 25th को आई गेस हम लोगों की फिल्म रिलीज हो चुकी होगी, एंड इट्स आई एम नर्वस ऑल्सो बिकॉज ऑफकोर्स माई डेब्यू फिल्म, सो आई एम रियली नर्वस एंड एक्साइटेड टू। सो आई एम रियली होपिंग कि फैंस, जितने भी लोग हमारी फिल्म देखे, उनको यू नो मैं अपना एक मार्क छोड़ कर जाऊँ, बस दिस इज व्हाट आई फील, दैट्स इट। इस तरफ है, इस तरफ अंकिता यहाँ पे, अंकिता इकड़े, अंकिता इकड़े इकड़े सेंटर ला अंकिता। अरे वो तो उसका देखो ना, Well, दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को अंकिता लोखंडे मणिकर्णिका से जुड़ी हर एक बात से रूबरू करवाया जो खुद अंकिता लोखंडे ने अपने मुंह से कही है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का फिलहाल के लिए यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड की कई और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।